हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने कुछ अधूरे काम पूरे करने जा रही हूँ अपने गार्डन का। ये अब मैं अपने गार्डन में कंपोस्ट खाद डाल रही हूँ अपने गमलों में। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सब गमलों में डाल देती हूँ ताकि पौधे में अच्छी ग्रोथ हो। और ये खाद डालने के बाद उसके ऊपर मैंने ये डेकोर पीस रख दिया, स्टोन ड्रेसिना का प्लांट है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देखिए कोलियश, ये देखो इसमें फूल ना भी आए तो भी इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत लगती हैं। वैसे स्नेक प्लांट भी बहुत अच्छे सुंदर लगते हैं। ये देखिए पिंक कलर इसकी किनारे बॉर्डर है इस लीफ में, बहुत प्यारे लगते हैं। ये मेरा आर्टिफिशियल लोटस है रेड कलर का। और ये मटकी, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, उसके ऊपर रख दी हूँ जिसमें मैं मनी प्लांट लगाई हूँ उसके ऊपर रखी हूँ। तो ऐसा हम छोटे छोटे मटकियों का भी यूज़ कर सकते हैं प्लांटर्स बनाने में। और ये जरबेरा का प्लांट है मेरा, इसमें ये रेड कलर का है, इसमें बर्ड्स आए हैं। देखो नीचे और भी है, अभी खिलने ही वाला है। और ये कोलियस में भी छोटे छोटे पिंक कलर का फ्लावर आया है, डेंथस में भी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। देखिए और वो जीनिया, ये थोड़ा मुरझा सी गई है, ये वाला येलो कलर का जीनिया बहुत अच्छा है। ये विंटर के फ्लावर हैं अभी। और ये बेबी टियर का प्लांट है। सब में थोड़ा थोड़ा खाद डाल रही हूँ। देखिए, और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए इसमें छोटा सा मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट उगाया है। ये देखिए मेरा चाइना पाम ट्री, इसको गमले में शिफ्ट कर रही हूँ। इसे लाए हुए मुझे 15 दिन हो गए हैं, तो इसमें आज यही अधूरा काम मैं पूरा कर रही हूँ। और ये ड्रेसिना ग्रीन वाला, इसको भी दूसरे गमले में मैं शिफ्ट करूँगी। ये दोनों प्लांट्स को मैं आज गमले में शिफ्ट कर रही हूँ। तो यही अधूरे काम आज मैंने किए हैं, कंपोस्ट खाद डाले हैं सब गमलों में और ये दोनों प्लांट्स को गम शिफ्ट की हूँ। चाइना पाम ट्री और ड्रेसिना है ये ग्रीन कलर का। देखिए इसमें फ्लावर है छोटे छोटे पिंक कलर के। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।